भक्ति के सबसे बड़े कवियों में से एक क्या माने जाते हैं? रसखान, सैयद इब्राहिम रसखान। अगर वो आज होते तो फतवा का भी जारी हो सकता था। कैसे आपने अगले जन्म की बात कह दी, वो भी प्रश्न। एक मुस्लिम कवि हुए जिन्होंने, शफक साहब, जिन्होंने ये लिखा है, मेरी अफकार दुनिया दूर कीजिए राध के रानी के, जिनके साये तन से हरे हो श्याम मुरा। पहली तो ये बात बड़ी अजीब है, पता नहीं कहां से हम लोगों के दिमाग में भर दिया गया है कि ये गोरा रंग जो है वो श्रेष्ठता का प्रतीक है, जबकि हमारे जितने भी भगवान हैं वो काले हैं, नीले हैं या सांवले हैं। भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण की आप बाल लीला देखें, उन्हें सबसे प्रिय क्या है? मक्खन। और मक्खन कैसे खाते हैं? हंडिया में से निकाल के, पर हंडिया में से निकालते नहीं, हंडिया तोड़ के खाते हैं। और हांडी भी उनकी मिट्टी की है, धातु की नहीं है। ऐसा क्यों है? और भगवान कृष्ण का नाम ही क्या है? कृष्ण, अर्थात वो काले। पहली तो ये बात बड़ी अजीब है, पता नहीं कहां से हम लोगों के दिमाग में भर दिया गया है कि ये गोरा रंग जो है वो श्रेष्ठता का प्रतीक है, जबकि हमारे जितने भी भगवान हैं वो काले हैं, नीले हैं या सांवले हैं। भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान कृष्ण, यहां तक कि रामचरितमानस में भी जब सीता माता स्वयंवर से पहले जाती हैं देवी की आराधना करने, तो रामचरितमानस में क्या लिखा है? देवी जी उनको क्या वर देती है? मन जा ही राच ही मिल ही सोवर सहज सुंदर सावरो। गोरो तो नहीं बोला ना। अब पता नहीं कैसे जिन लोगों ने ये गोरा बनाने की वो क्रीमें निकाल दी है ना, उन्होंने हमारे दिमाग में ये भर दिया। अब देखिए, भगवान कृष्ण काले हैं, इसका अर्थ जानते क्या? मक्खन उनको क्यों प्रिय? भगवान कृष्ण हमारे मन की उस अवस्था के प्रतीक है कि जब आप ध्यान लगाइए तो आपकी आंखों के सामने काला ही होता है। वो कृष्ण वर्ण जो है वो उस गहरे ध्यान की अवस्था, जिसका स्वामी जी वर्णन कर रहे थे मेडिटेशन क्यों आवश्यक, उसका प्रतीक है। तो जब आपका मन जो है वो दूध की तरह है और संसार पानी की तरह है, दूध और पानी मिला देंगे तो सारा दूध पानी में मिलकर व्यर्थ हो जाएगा, परंतु यदि इस दूध को स्थिर कर लिया, मन को स्थिर किया, तो दूध स्थिर होकर क्या बनता? दही। और जब स्थिर होने के बाद उसका मंथन किया, दही को मथा, तो उसमें से क्या निकलता है? मक्खन। तो जब प्रवृत्तियों को अपने अंदर स्थिर करके, मन को स्थिर चित्त करके, प्रवृत्तियों का उन्नयन करके मंथन करते हैं, तो आपका मन उस अवस्था में आ जाता है जो नवनीत है, मक्खन है। अब मक्खन को पानी में डाल दीजिए, डिसॉल्व नहीं होता है। यानी अब आप मन की उस अवस्था में जाकर कर्म करिए तो निष्काम कर्म आप कर सकते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण को, और मैंने आपसे कहा वो हंडिया मिट्टी की क्यों है? क्योंकि वो मिट्टी शरीर का प्रतीक है। और हंडिया तोड़ के क्यों मक्खन खाते हैं? ये जो स्वामी जी ने कहा ना, सब कुछ केवल इंद्रियों के सुखों में ही आप लगे रहते हैं, तो जब आप इस शरीर के सुख की काया के बंधन को तोड़ पाएंगे तब वो वाला मक्खन मिलेगा। इसलिए भगवान कृष्ण और उनका जो ये उपदेश है, ये पूरी तरीके से हमें यह स्पष्ट बताता है कि जीवन में किस प्रकार से हम निष्काम कर्म को समझ सकते हैं, अंतर से भी और विराट से भी। इसीलिए आप जितना अंदर जाते हैं, बिहारी जी का एक दोहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो डूबे श्याम रंग त्योत्यो उज्ज्वल हो। तो जब आप ध्यान लगा के अंदर उतरते हैं तो पहले तो आपको दिखता है कि श्याम रंग दिखता है, और उसके बाद सारा का सारा जो उजाला है वो दिखने लगता है। और ऐसा नहीं, आप लोगों ने सुना होगा उनका एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा था, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होए। इसके ऊपर एक मुस्लिम कवि हुए जिन्होंने, शफक साहब, जिन्होंने ये लिखा है, मेरी अफकार दुनिया दूर कीजिए राध के रानी के, जिनके साये तन से हरे हो श्याम मुरा। और इतना ही नहीं है, भगवान कृष्ण की भक्ति में वो क्षमता कि कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े कवियों में से एक क्या माने जाते हैं? रसखान, सैयद इब्राहिम रसखान। माना जाता है उनका जन्म काबुल में हुआ था, समाधि वृंदावन में। और वो क्या कहते हैं, आप सबको पता है कि उनका तो बड़ा प्रसिद्ध है ना कि मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल। यानी मनुष्य के रूप में अगला जन्म पाऊं तो गोकुल में ग्वाल वालों के बीच। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु में जा रहा, पशु बनू तो नंद बाबा की गायों के।
पाहन हो तो वह गिरी को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण, पत्थर बनो तो गोवर्धन पर्वत, और जो खग हो तो बसेरो करो कहूं कालिंद कूल कदम्ब की डारन, अगर पक्षी बनो तो कदम्ब के वृक्ष पर जाकर उस वृक्ष पर बैठूं जिसके नीचे भगवान कृष्ण मुरली बजाया करते थे। मेरे विचार से अगर वो आज होते तो फतवा का भी जारी हो सकता था। कैसे आपने अगले जन्म की बात कह दी, वो भी कृष्ण।